कोरोना वायरस की वजह से तमाम तीज त्योहारों को मनाने पर पाबंदी लग गई है। नवरात्र से लेकर ईद जैसे बड़े त्योहार भी बेहद सतर्कता और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाए गए। अब फिलहाल अनलॉक वन के तहत सभी मठ मंदिर और मस्जिद खुल तो गए हैं, लेकिन अभी भी योगी सरकार यूपी में कम से कम कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इसलिए सरकार चाहती है कि जिस तरह से ईद मनाई गई उसी तरह से बकरीद भी मनाई जाए, यानी कि पूरे एहतियात के साथ और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए। इसलिए योगी सरकार ने शनिवार को बकरीद मनाए जाने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। योगी सरकार की ओर से कहा गया है कि 1 अगस्त को पड़ने वाली बकरीद पर कोई भी भीड़भाड़ ना हो। सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि सभी जिलों के धर्मगुरुओं से बातचीत करके ये सुनिश्चित करें कि बकरीद के मौके पर किसी भी धार्मिक स्थल पर 5 से ज्यादा लोग ना जुटने पाए। बकरीद के साथ ही बाकी तीज त्योहारों के लिए भी सरकार ने कहा है, कोरोना काल में पड़ने वाले सभी त्योहारों के दौरान सभी समुदायों को जागरूक किया जाए और धर्म गुरुओं की अपील के आधार पर भीड़ न जुटने दी जाए। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि सभी स्तर पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएं, जहां इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और सैनिटाइजर की व्यवस्थाएं रहें। इन मेडिकल उपकरणों के उपयोग के लिए ट्रेनिंग भी दिलाई जाए। निगरानी समितियां हर हाल में सक्रिय रहें। घर घर जाकर मेडिकल स्क्रीनिंग की जाए। संक्रमण की स्थिति में रोगी को तत्काल कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जाए और एम्बुलेंस सेवा का रिस्पांस टाइम 10 मिनट से ज्यादा न हो। कोरोना वायरस को रोकने के लिए जी जान से जुटी योगी सरकार नहीं चाहती है कि यूपी का भी दिल्ली मुंबई जैसा हाल हो, इसलिए तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। सीमित लोगों के साथ बकरीद मनाने का निर्देश देने के साथ ही योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा भी स्थगित कर दी है।